तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो किस्त एप्लीकेशन के ऊपर है, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर आपने किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनके कस्टमर केयर से कैसे बात करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस्त एप्लीकेशन में मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे कितने का लोन मिल रहा है किस्त एप्लीकेशन की तरफ से, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे, ये NBFC से रजिस्टर्ड है दोस्तों, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 6500 रुपये का लोन जो है मुझे मिल रहा है किस्त की तरफ से, ठीक है। सो गाइस, आप इनकी कस्टमर केयर से बात करने के लिए हमको क्या करना होगा और कैसे हम इनके कस्टमर केयर से बात करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने किस्त एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, तो इधर तो कस्टमर केयर का नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है फ्रेंड। सो हम इस पर क्लिक कर देंगे। सो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला है देखो यहाँ पर हाय IMCA, तो आप दोस्तों यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से भी हम इनसे चैट करके बात कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे हाय, तो वहाँ से भी दोस्तों कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है देखो, ठीक है। तो ये जो होती है चैटिंग, ये तो कंप्यूटर चैटिंग है दोस्तों, अपने पसंद अनुसार यहाँ पर जो है आप सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, बैक हो जाते हैं। अब दूसरा है चैट का, ये है सपोर्ट टीम का चैट कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये व्हाट्सअप से है, इसमें हम अपने पसंद अनुसार जो है क्वेरी कर सकते हैं और जो भी हम पूछना चाहते हैं इनसे व्हाट्सअप के जरिए हम पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर आ गया कि आप किसके रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, चार ऑप्शन यहाँ पर निकल के आए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इनसे हम कॉलिंग से बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कॉलिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें आपको दो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों दोस्तों कॉलिंग नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें आप, यहाँ पर आप 9:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में ही आप कॉल करें, अगर इसके बाद आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जो है कनेक्ट नहीं की जाएगी और हो सकता है आपकी कॉल भी रिसीव ना की जाए, ठीक है। और अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को तुरंत निजात दिलाना चाहते हैं या फिर आप अपने किस्त एप्लीकेशन का जो अकाउंट है क्लोज करना चाहते हैं, तो आप इनको मेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेल तब लिखें जब आपको कुछ ज़्यादा गंभीरता प्रॉब्लम सॉल्व करानी हो, ठीक है। अगर नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो आप कॉल के ज़रिए भी सॉल्व करा सकते हो, चैट के ज़रिए भी सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या आ चुकी है किस्त एप्लीकेशन की तरफ से, तो फिर आप इनको मेल करके इनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। सो मेरे भाई, आज का जो वीडियो था बस इसी के टॉपिक पर था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड को शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।